मुंबई क्रूज ड्रग्स मामलार अभियुक्त आर्यन खान चरस खाती एवं जहाजरे खाइबा लागि तांको बंधु अरबाज मंटाज से 6 ग्राम रखिथिले बोली स्वीकार करथिबा एनसीबी पंचनामारे उल्लेख थिबा कथा रिपोर्ट करा जाइछि। करेलिया क्रूज रे चढ़ाऊ और तलाश बेले एनसीबी टीम एही पंचनामा बा साक्षी मानको बयान रेकर्ड करथिला। उक्त पंचनामा अनुसार एनसीबी अधिकारी आशीष प्रसाद सेमानकु एनडीपीएस आक्ट रो धारा 85 संपर्क रे सेमानकु बुझाइथिले। गेजेटेड अफिसर मानको सम्मुखरे एनसीबी आर्यन खान एवं अरबाज मर्चेंट को तलाशी नेबा कहिथिले, तबे दुहे मना करथिले। सेमानक निकट रे कोनसी ड्रग अछि कि बोली परे तदंत अधिकारी पचारंते तांको जोत्ता भितरे चरस अछि बोली आवाज कहिथिले। या परे से आपणा छै जोत्तारु कोला ओ अठाळिया पदार्थ थिबा जिपलक बैग बाहर करथिले। डीडी किट रे परीक्षा करबा परे ताहा चरस बोली जणा पडथिला। तांको पाखरु समुदाय 6 ग्राम चरस उद्धार करा जाइछि। पोखरे बुड़ी नाबालक मृत्यु। शनिवार बेगुनियापड़ा ब्लक कालीमेघी पंचायतर बड़सिंह ग्राम से एक अभावन घटना घटी जाइछि। खेलुवा समय पोखरे बुड़ी 2.5 वर्षर बालक मृत्यु घटी। एकमात्र पुओ को हर परिवार लोके भांगी पड़ते। ग्राम लोक और परिवार लोके बालकटी पोखर उद्धार कर कोदला गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र आनी बेले डाक्तर तांको मृत घोषणा करते। यह ग्राम से शोकाकूल परिवेश खेली जाइछि। डाक्तर लाच ने बेलू भिजिलेंस माड़ बसिले। मयूरभंज जिलार बांगीरपोषी थाना हाणदा गाँवर जड़े व्यक्ति साप कामुड़े मृत्यु होता और मृत व्यक्ति पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर बारिपदा पंडित रघुनाथ मुर्मू मेडिकल कॉलेजर पोस्टमार्टम दायित्व डाक्तर देवीदत्त पात्र मृत व्यक्ति संपर्कों को 40,000 टंका लाच मागिते। मृत व्यक्ति पर 4,00,000 टंका अनुकंपा सहायता राशि सरकार दे 40,000 टंका दिव बोली कड़े डाक्तर बाध्य करते। आज यही अभियोग बालेश्वर विजिलेंस विभाग डाक्तर रोकवा मेडिकल कॉलेज रास्तार लाच नेवा बेले माड़ बसते विजिलेंस विभाग 20,000 टंका जबत कर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ब्रह्मपुर ठारे पूरी जिला पई विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना स्मार्ट हेल्थ कार्ड बंटन शुभारंभ करथिबा बेले जिदर 3,64,000 लोक एही सुविधा पाई परबे एवं एहा डेलंगा ब्लॉक रो समुदाय 29,946 जन परिवार को एही सुविधा दिया जिबार व्यवस्था कराइछि। द्वितीय दिन में 5 पंचायत 10 सेंटर करा जाय। नूतन विधायक रुद्र प्रताप महारथी द्वारा स्मार्ट कार्ड बंटन कराइथिला। एथिरे डेलंगा बीडीओ दिलीप कुमार सोडंगी तहसीलदार महेन्द्र बढ़े ब्लॉक अध्यक्ष कुमार साहू महिला महासंघ संपादिका बसंत साहू योगदान देथिले। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया देवगढ़ जिला पई विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना रे स्मार्ट हेल्थ कार्ड बंटन रो शुभारंभ करछन्ति। जिलार 2,70,000 लोक ई सुविधा पाइबे। पूर्वरु राज्यर 5 जिला मालकानगिरी सुंदरगढ़ बलांगीर गजपति और पुरी में यह कार्यक्रम आरंभ होती। वर्तमान सुधा राज्य में 10,00,000 लोक स्मार्ट हेल्थ कार्ड पाई बेले 10,657 जन हिताधिकारी विभिन्न घर डाक्तखाना 20 कोटी टंकार स्वास्थ्य सुविधा पाइले। हिताधिकारी बिना खर्च में उन्नत स्वास्थ्य सेवा पाँच। देवगढ़ जिलार प्राकृतिक सौंदर्य अति मनोरम एवं यह ओडिशा पई प्रकृतिर वरदान। प्रशासन को लोकों निकट में नेवाई विजु बाबू यह एक स्वतंत्र जिला करते अवसर में मुख्यमंत्री निज वक्तव्य कहते। ढेंकानाल मिनी स्टेडियम ठारे सरकार निर्देश क्रमे जिले समस्त बैंक मानक द्वारा ऋण प्रदान मेला आयोजन कर मेला को सांसद महेश साहू जिलापाल सरोज कुमार सेठी उद्घाटन कर बैंक मैंने स्टल गुड़ी बुरी देखते। स्वयं सहायक गोष्ठी हिताधिकारी मानक से आवश्यक अनुजाई ऋण प्रदान कर आत्मनिर्भरशील करने स्वावलंबी करने परामर्श दी सांसद और जिलापाल ऋण नहीं सेमानक आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कले जिला एवं राज्य में सुनाम अर्जन करें। अतिथि माने विभिन्न बैंक पक्ष स्वयंसहायक गोष्ठी और व्यक्तिशेष विभिन्न योजन ऋण प्रदान कर। पार्वण को दृष्टि रखी केन्द्रापड़ा स्वयंशासित महाविद्यालय माई एनसीसी आलुमिनी आसोसीएसन पक्षर् कोरोना तृतीय लहर दृष्टि से पथप्रांत सचेतनता कार्यक्रम अनुषित हो कार्यक्रम को केन्द्रापड़ा स्वयंशासित महाविद्यालय सीमा महांती उद्घाटन करते। पार्वण ऋतु आसुथिबारु संक्रमण को दृष्टि रखी केन्द्रापड़ा कलेजर एनसीसी छात्र छात्री माने कलेज परिसर एक रैली बाहरी तीन मुहाणी महीपाल नुआ बसस्टाण काकट पुरुणा बसस्टाण शांत साहि एवं बलदेवजी मंदिर पर्यंत पथप्रांत सचेतनता कार्यक्रम करते। कार्यक्रम में एनसीसी छात्र छात्री शिक्षक शिक्षयित्री माने सामिल हो साधारण लोक सचेतन कराइले। आंचलिक विज्ञान महाविद्यालय क्षेत्रीय ब्रह्मपुर परिसर में वन्यप्राणी सप्ताह उत्सव पालन हो। उक्त उत्सव में महाविद्यालय समस्त शिक्षक शिक्षयित्री छात्रात्री समेत मुख्य अतिथि रूपे केन्द्रीय वनांचल अधिकारी कुमार बेहरा वन्यप्राणी तत्वधारक सुनील प्राणी शतपथी अवसरप्राप्त शिक्षक सभापति श्री जेना एवं स्थानीय वनपाल वेंकटे दुरा मंचासीन थे। समस्ते मिलमिशी वृक्षरोपण कर जंगल अभिवृद्धि कर भरपूर अम्लजान पाइबा संगे संगे वायुमंडल दूषित दाऊ रक्षा कर उत्तम समाज गढ़ी समाज टेक रखा
ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଶପଥ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ବଂଶଡା ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ମୌସୁଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଜୁରୁନ୍ଦା ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। 2 ବର୍ଷର ଶିଶୁଟି ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟରେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଶିଶୁଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚାନ୍ଦବାଲି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିନେଇ ବେସଡ଼ା ଥାନାରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବେସଡ଼ା ପୋଲିସ ଶବ ଜବତ କରିବା ସହ ଶବକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ସେରଙ୍ଗ ଗ୍ରାମଠାରେ ଏକ ଆଇନ ସଚେତନତା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରାଧିକରଣ ସଚିବ ବ୍ୟାମକୋଶ ନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସଚେତନତା ଶିବିର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବାଳକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଓ ଶିଶୁ ଓ କିଶୋର ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ନାୟକ ସରପଞ୍ଚ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଇଥିଲେ। ଅକ୍ଟୋବର 2021 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 14 ନଭେମ୍ବର 2021ରେ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିପରି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଇନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସଚେତନତା ଓ ସରକାରଙ୍କ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଆଇନ ସହିତ କର୍ମୀମାନେ ନିୟୋଜିତ ରହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅନ୍ୟୁନ 4-5 ଗ୍ରାମକୁ ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଇବେ ବୋଲି ପ୍ରାଧିକରଣ ସଚିବ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ।